हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी सुषमा। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। वैसे तो वो हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, पर पालक पनीर उन्हें पसंद आती है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मैंने एक गड्डी पालक ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है, जिससे कि इसकी सारी जो गंदगी है, मिट्टी है, वो निकल जाए। ध्यान रहे, अच्छे से धोइए। और इसको मैंने ऐसे ही हाथ से तोड़ लिया है। और ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया। इसमें मैं सारे पत्ते डाल दूंगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, तो किसी भी हम स्पैचुला या किसी चिमटे के हम सहारे इसको ऊपर नीचे करके बस मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा हो गया, मतलब हमें इसे बिल्कुल अलग से बॉयल नहीं करना है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। तो ये देखिए, अब मैं इसको तुरंत ही किसी जाली से इसको छान लूँगी, सारा पानी इसका निकाल दूँगी और हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रिज का पानी लिया है। ऐसा करने से इसकी कुकिंग रुक जाएगी और इसका कलर भी ग्रीन बना रहेगा। तो इसको हम पहले तो हल्के हाथों से वॉश कर लेंगे और फिर हम ठंडे पानी में ही कुछ सेकंड के लिए इसको रख देंगे। तो 10-12 सेकंड हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे और उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको मिक्सर की जार में रख कर पीस लेंगे। तो ये मैं मिक्सर के जार में इसको डाल रही हूँ। तो हमें इसे बिल्कुल भी अलग से पानी डालकर नहीं पीसना है और इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। तो बिना पानी डाले मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अभी हम एक कोई भी कढ़ाई या कोई बर्तन हम गैस पे चढ़ाएंगे, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो ये हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच। इसको हम तड़कने देंगे, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो ये बारीक कटी हुई अदरक मैंने ले ली है और ये लहसुन उसके बाद हम इसमें डालेंगे। इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन मैं डाल रही हूँ, तो ये हम बारीक चॉप करके ले रहे हैं। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें ग्रेट करके ले सकते हैं, पीस करके भी ले सकते हैं। ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रेवी में ऐसा नहीं पसंद है खड़ा, तो आप इसको पीस कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज भी मैं ली हूँ, तो ये मैंने 1.5 प्याज लिया है, या आप एक बड़ा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। इसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। तो प्याज भी आप पीस कर डाल सकते हैं। प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये स्वाद के अनुसार, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर कसूरी मेथी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच। और ये थोड़ा सा मैं नमकीन, जो भी बेसन वाली आपके पास कोई भी हो, मैंने थोड़ा सा उसको पीस कर लिया है 2 चम्मच। इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर अच्छे से इसको मिला दी हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। तो ये मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया है और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। और स्वाद आप नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिए। टर्मरिक पाउडर भी 2 पिंच मैंने ऐड किया है। हमें बहुत ज़्यादा हल्दी यहाँ पर ऐड नहीं करना है। तो ये सब मसाले मैंने धीमी आंच पर मिला लिए हैं। अब मैं इसमें जो हमारा पालक का प्योरी है वो मिला लूँगी। तो जितना भी आप मिक्सर जार में है उसमें थोड़ा पानी डालकर आप इसमें वापस से डाल लीजिए और इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो ये सारे मसालों के साथ मैंने इसको थोड़ा सा मिला दिया है और फिर हम इसको थोड़ा कुक करेंगे, कम से कम 3-4 मिनट। इसको मैंने ढककर कुक कर लिया है। देखिए, अभी आप देख सकते हो 3-4 मिनट बाद ही ये एकदम से ऑयल सेपरेट हो गया, ऊपर और आ गया है। हमारी ग्रेवी पक गई है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसको। तो बस ये मैंने अच्छे से एक बार फिर इसको पका लिया है मिला के। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पास पनीर क्यूब्स हैं। तो जितने भी आपको पनीर क्यूब्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा लगभग 200 ग्राम पनीर है, वो मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। 2 मिनट मैंने इसको ढककर फिर पका लिया है। मैंने इसमें अलग से पानी नहीं डाला है। आप चाहे तो ग्रेवी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी ऐड की है मलाई। अगर आपके पास कोई फ्रेश क्रीम हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, जस्ट थोड़ा सा टेस्ट के लिए। नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं ये पालक पनीर सर्व कर लेती हूँ। पालक पनीर को आप रोटी चावल के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। पराठों के साथ भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है।
थैंक यू।